कुछ भी चीज़ अगर आप इंसल्ट कर रहे हो और वो टूट गई, अंदर फंस गई, तो फिर कितनी बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि एक्साइटमेंट में मतलब आप अपने होश खो दें, होश हो हवास में रहकर ये सारी चीज़ें। देखिए लड़का हो या लड़की हो, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमारी बॉडी के अंदर सेक्सुअल डिजायर्स आना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, सेक्सुअल थॉट आना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। और जब हमारे माइंड में सेक्सुअल थॉट आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें फील होता है कि अब हमें हमारी बॉडी के साथ कुछ करना चाहिए जिससे कि हमें रिलैक्स मिले, जिससे कि हमें प्लेजर मिले, ऐसा हम सोचते हैं। तो जब लड़कों के दिमाग में सेक्सुअल थॉट आते हैं ना, तो वो मास्टरबेशन को करते हैं। तो सेम वही लड़कियों के साथ होता है कि जब लड़कियों के दिमाग में थॉट आता है ना कि वो कुछ करें, अपने आप को प्लेजर फील करें, तो गर्ल्स मास्टरबेशन करती है। लेकिन कैसे करती है, कौन से तरीके हैं जो आपको अपनाने चाहिए, जो सेफ़ हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाकर, जो आपके लिए सेफ़ हो। ठीक है, तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि क्या करें। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप एक लड़की हैं और आप अपने आपको आपके दिमाग में ये थॉट आ रहा है तो ये बिल्कुल कॉमन है, आपको ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी के हार्मोन सब डेवलप हो रहे हैं, तो आपके माइंड में थॉट आना एकदम कॉमन है। काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं जो थॉट आता है तो वो सोचती यार ऐसा क्यों आ रहा है हमारे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे कई बार कमेंट भी आते हैं लड़कियों के कि मैम हमारी एज अभी हम 17 साल 18 साल के और हमारी माइंड में ऐसे थॉट आने लग रहे हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। वो आपका माइंड वहाँ पर थॉट आपकी बॉडी में चेंज होने वाले हार्मोन्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है, उसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो आपकी बॉडी में काफ़ी सारे सेक्सुअल हार्मोन एक्टिव हो रहे हैं, तो ये थॉट आपके माइंड में आ रहे हैं, तो इसको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि हम इन थॉट को कैसे कंट्रोल करें, हम अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करें। देखिए अगर मैं बात करूँ 16, 17, 18 या 19, 20 साल तक की एज, ये एज ऐसी होती है इसमें थॉट कंट्रोल नहीं होते हैं, क्योंकि इस एज में सबसे ज़्यादा हमारे सेक्सुअल हार्मोन एक्टिव होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर इनको कंट्रोल कर लें तो ऐसा नहीं होगा, कंट्रोल नहीं हो पाते हैं ये थॉट। हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि हमारी एज ऐसी होती है, हार्मोन काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुके होते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को प्लेजर फील करवाना चाहते हैं, सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर खुद से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि लड़कियाँ मास्टरबेशन कैसे करती है। देखिए बॉयज़ के दिमाग में काफ़ी बार ये सवाल आता है कि यार हमारे पास तो मतलब प्राइवेट पार्ट है, उसको हम मतलब मास्टरबेशन के साथ कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों के पास तो ऐसा कोई सामान नहीं होता है जिसके साथ वो ऐसा कुछ करे, तो आखिर लड़कियाँ करती कैसे होगी। तो भाई सबकी बॉडी का टेक्सचर अलग अलग होता है, गर्ल्स की बॉडी अलग टाइप से बनी है, बॉयज़ की बॉडी अलग टाइप से बनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियाँ मास्टरबेशन नहीं कर सकती है। लड़कियाँ कर सकती है, उनके टाइप अलग होते हैं, करने का तरीका अलग होता है, बॉयज़ का तरीका अलग होता है। ठीक है, बॉयज़ को क्या होता है, जब भी वो मास्टरबेशन करने वाले होते हैं तो उनका जो पेनिस से वो इरेक्ट हो जाता है, उसके बाद वो उसके साथ खेलते हैं। ठीक है, वैसे उनका वो टाइप होता है, लेकिन गर्ल्स का टाइप अलग होता है। गर्ल्स के पास ऐसा कोई नहीं है जिसमें इरेक्शन आता हो और फिर वो उसके साथ खेलती हो। गर्ल्स के पास उनके बॉडी के कुछ पार्ट होते हैं जिसको टच करने से उनको अच्छा फील होता है, वो प्लेजर को फील कर सकती हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट नंबर पे सब गर्ल्स का अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है कि सेम सभी गर्ल्स एक ही टाइप से करती हो, सब गर्ल्स का प्लेजर फील करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, किसी को ब्रेस्ट को टच करना अच्छा लगता है ना, किसी को मतलब अपनी वजाइना के साथ खेलना अच्छा लगता है। ठीक है, किसी को अपने हिप्स के साथ, अपने थाई एरिया के साथ खेलना अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से गर्ल्स की जो मास्टरबेशन का मतलब जो है वो अलग अलग टाइप का होता है, वो अलग अलग टाइप से प्लेजर को फील करती है। तो लेकिन ज़्यादातर लड़कियां ब्रेस्ट और वजाइना के साथ खेलना पसंद करती है। तो अगर लड़कियों आप ब्रेस्ट के साथ और वजाइना के साथ अपना मास्टरबेशन करना चाहती हैं तो आप यहाँ पर आराम से कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि अगर आप वजाइना के साथ कर रही हैं अपना मास्टरबेशन, तो उससे पहले आप अपने नेल्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर नेल्स आपके बड़े होंगे, नेल्स आपके वो एरिया काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, अगर कहीं पर नेल्स लग गए, कट लग गया, तो वहाँ पर आपको इन्फेक्शन हो सकता है, दर्द होगा, जलन होगा। ठीक है, काफ़ी मतलब कुछ हो सकता है, वो आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप नेल्स का ध्यान दीजिए, आपके हाथों की सफाई का आप ध्यान दीजिए, हाइजीन को मेंटेन करके चलिए। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर आप काफ़ी सारी चीज़ों का यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर वेजिटेबल्स का यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप यहाँ पर पिलोज कवर का यूज कर सकते हैं, आप किसी चद्दर का यूज कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों का आप यूज कर सकते हैं जैसे कवर वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप सेफ्टी के साथ यूज करके अपने आप को प्लेजर तक आप पहुँचा सकती हैं। तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है यूज करने के, लेकिन बस आपको ध्यान यही रखना होगा कि आप काफ़ी सॉफ्टनेस का ध्यान रखिए। मतलब आप एक्साइटमेंट में ऐसा नहीं है कि आप अपना मतलब स्पीड में काफ़ी ज़्यादा हार्ड तरीके से आप कर रही हैं, तो फिर नुकसान आपको होगा। ठीक है, साथ ही साथ काफ़ी सारी लड़कियां हैं जो जेली पदार्थ यूज करती है अपनी वजाइना पर, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा प्लेजर फील होता है, जैसे कि ऑयल्स का वो यूज करती हैं, या फिर कुछ ऐसी चिकनी चीज़ें होती है, जेल्स होते हैं, ठीक है, वजाइनल जेल्स होते हैं, उनका वो यूज करती है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो मास्टरबेशन करने में लड़कियों की हेल्प करती है, और ऐसे इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आपकी बॉडी आपके दिमाग में थॉट आ रहा है और अपनी बॉडी के साथ आप खेलना चाहती है, अपने आपको अच्छा लगता है, आप अपने आप को खुश करना चाहती है, तो नो इशू, नो प्रॉब्लम, शर्माइए मत, खुलकर करिए, आपको ऐसा कुछ नहीं है इससे आपको नुकसान होगा या आपको मतलब
कुछ भी होगा, ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है। हर किसी के माइंड में थॉट आते हैं, समय के साथ साथ कम हो जाते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होंगे, कॉलेज में जाएंगे, आपकी कॉलेज लाइफ होगी, फिर आप थोड़े बड़े होंगे, वैसे वैसे थॉट कम हो जाते हैं। लेकिन जो 16 17 से लेकर और 21 22 साल की एज जैसे, इसमें थॉट काफ़ी ज़्यादा आते हैं और हमें ऐसा कुछ लगता है कि हमें हमारी बॉडी के साथ कुछ करना चाहिए, ठीक है, खेलना चाहिए। तो ये नॉर्मल है, आपको ज़रूर इसको फील करना चाहिए, इस टाइम को आपको ज़रूर समझना चाहिए। आप यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं जो अपनी वजाइना में फिंगर्स का यूज करती है, मतलब फिंगर को इंसल्ट करती है, तो उसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिंगर्स अगर आप इंसल्ट कर रहे हैं वजाइना के अंदर, तो नेल्स का, साथ ही साथ आपको हाइजीन का ध्यान रखना है, ठीक है, अपने हाथों को साफ सफाई का ध्यान रखना है। ये सारी पॉइंट है जो लड़कियों को ध्यान रखने चाहिए। इस तरीके से लड़कियां यहाँ पर मास्टरबेशन करती है। तो यहाँ पर मैंने दोनों के जवाब दे दिए हैं, लड़कों को ये जानना था कि कैसे करती है और लड़कियों को ये जानना था कि हम कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दोनों के सवाल क्लियर कर दिए हैं। जो चीज़ें मैंने बताई आप उनको फॉलो करिए, और अगर आप किसी वेजिटेबल वगैरह का यूज करते हैं तो प्लीज़ 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 केयरफुली करिए, ऐसा ना हो कि मतलब आप गड़बड़ कर लें कुछ, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। तो वेजिटेबल्स का यूज आप बार बार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मतलब इंसल्ट कर दिए, अगर आप इंसल्ट कर दिए अंदर तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकते हैं। मान लीजिए आप कुछ भी चीज़ अगर आप इंसल्ट करिए और वो टूट गई अंदर, फंस गई, तो फिर कितनी बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि एक्साइटमेंट में मतलब आप अपने होश खो दें, होश हो हवास में रहकर ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो होप आपको ये वीडियो समझ आई हो, वीडियो समझ आई तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस टाइप की और भी वीडियोज़ देखने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।